सीएम सिटी करनाल में नगर निगम चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीजेपी की तरफ से मेयर पद की प्रत्याशी रेणु बाला गुप्ता ने भी सचिवालय पहुंचकर नामांकन भरा और शहर में रोड शो करके अपनी ताकत दिखाई। इस रोड शो में पहुंचे कृष्णपाल गुज्जर ने हरियाणा के पांचों नगर निगम चुनाव की सीटों पर बीजेपी की जीत का दम भरा है। उनका कहना है कि करनाल से रेणु बाला जीतेगी ये तय हो चुका है, क्योंकि जनता रेणु बाला के साथ है और सभी विपक्षियों ने हार मान ली। बता दें कि रेणु बाला गुप्ता पहले भी 5 साल तक करनाल की मेयर रह चुकी हैं, इसलिए पार्टी ने उन्हें फिर से मौका दिया है। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार करनाल से महापौर के लिए रेणु बाला गुप्ता जी ने अपना नामांकन पत्र अभी दाखिल किया है। उससे पहले पूरे शहर में जो भव्य जुलूस और जो करनाल की जनता में जो उत्साह और जोश देखने को मिला है और कार्यकर्ताओं में जो जोश है, उससे तय हो गया है कि करनाल में भारतीय जनता पार्टी की रेणु बाला की जीत सुनिश्चित है। विपक्ष बटा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी यूनाइटेड है, विपक्ष डिवाइडेड है और सामने कोई दूर दूर तक नजर नहीं आता। विपक्ष पहले ही मैदान छोड़कर भाग गया है, उसमें लड़ने की हिम्मत नहीं बची, इसलिए एक तरफा भारतीय जनता पार्टी का पूरे प्रदेश में पांचों नगर निगम माहौल है और निश्चित तौर पर भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी करनाल में महापौर का चुनाव जीतेगी और यहां पर भारी बहुमत से निगम में वो अपना बहुमत लाएगी। उसका